नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। मैं आपके साथ चंद्र ओझा। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का तहसील सम्मेलन हुआ संपन्न। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। सूरतगढ़ थर्मल सिरी सीमेंट मजदूर यूनियन इंटक के अध्यक्ष दौलतराम शर्मा वे महामंत्री बने सुनील गोदारा। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक सूरतगढ़ का तहसील सम्मेलन ब्राह्मण धर्मशाला सूरतगढ़ में राजस्थान इंटक के सेक्रेटरी जनरल रमेश व्यास की अध्यक्षता में बुधवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीसीसी सदस्य वे सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी हनुमान मिल, विशिष्ट अतिथि ब्लॉक अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा, इंटक के नेता सलीम खान बगड़वा, फेडरेशन के कोषाध्यक्ष शिव नारायण पुरोहित, बीकानेर जिला के इंटक अध्यक्ष अशोक पुरोहित, युवा इंटक के प्रदेश महामंत्री महेंद्र देवड़ा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों का स्वागत सत्कार माला इंटक का फटका वे इंटक की बेज लगाकर किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ में जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने तहसील सम्मेलन में मुख्य एजेंडे पर चर्चा करते हुए मुख्य अतिथि पे पधारे हुए सभी श्रमिकों को बताया कि जिसमें सूरतगढ़ तहसील सम्मेलन के बाद में गंगानगर के सभी तहसीलों में इंटक तहसील सम्मेलन करना, श्री गंगानगर जिले में नरेगा भट्टा टैक्सी व टेम्पो यूनियन का गठन करना, केंद्र सरकार द्वारा श्रमिक कानूनों में किए गए संशोधन का विरोध करना, राज्य सरकार की श्रमिकों की योजनाओं को प्रत्येक श्रमिक तक पहुँचाना जैसे मुख्य कार्य रखे हैं। कार्यक्रम में बाबूलाल नाहरिया को सूरतगढ़ तहसील अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा सिरी सीमेंट वे बागड़ सीमेंट प्लांट में इंटक संगठन के अध्यक्ष पद पर दौलतराम शर्मा, महामंत्री सुनील शर्मा सहित 7 पदाधिकारियों को नियुक्त करके माला पहनाई गई। कार्यक्रम में हनुमान मिल ने सरकार की उपलब्धियों को बताते हुए राजस्थान में कांग्रेस सरकार पुनः बनाने की सभी से अपील की। सूरतगढ़ तहसील में इंटक संगठन कार्य लेके लिए जगह देने का वादा किया। राजस्थान इंटक के सेक्रेटरी जनरल रमेश व्यास ने संबोधन करते हुए बताया कि इंटक संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को मेहनत करके गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक जाकर अशोक गहलोत मौजूदा सरकार द्वारा मजदूरों व किसानों की संचालित योजनाओं का प्रचार करते हुए पुनः अशोक गहलोत को राजस्थान में लाने का काम करेंगे, क्योंकि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार होगी सभी वर्ग खुश हो पाएंगे, नहीं तो आने वाले दिनों में ये बीजेपी सरकार सभी उपकरण बेच देगी और लोगों को बेरोजगार करने का काम करेगी और केंद्र सरकार ये काम कर रही है। इन्होंने रेल, तेल, BSNL, LIC, एयरपोर्ट आदि प्रभावशाली चहेते पूंजीपतियों को सब कुछ बेच दिया है। इसीलिए हम सब लोगों को सजग रहते हुए ऐसी सरकार के विरोध में खड़ा होना है। उन्होंने इंटक का इतिहास बताते हुए बताया कि इंटक संगठन का गठन आज़ादी से पहले हुआ और ये सब वास्तव में मजदूरों का सबसे बड़ा संगठन है। इसमें जो कार्यकर्ता ईमानदारी से काम करेगा वही इस संगठन के सर्वोच्च पद पर जाएगा। जिसका ताज़ा उदाहरण देते हुए बताया कि राजस्थान इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली को अशोक गहलोत सरकार ने राज्य मुख्यमंत्री का दर्जा देकर मजदूरों का मान सम्मान बढ़ाया है। आयोजित कार्यक्रम में सलीम खान बगड़वा, शिव नारायण पुरोहित, इंद्रजीत सिंह रंधावा व अन्य ने भी सभा को संबोधित किया। मन संचालन प्रदेश सचिव वेरम खान बगड़वा ने किया। अनूपगढ़ ज्योति के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सोनिया मेघवाल, सूरतगढ़। जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद 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 अग्रणी रमेश व्यास साहब, जिंदाबाद 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 भाई हनुमान मिल साहब, जिंदाबाद 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 इनकलाब, जिंदाबाद 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 INTC, जिंदाबाद 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 इसके साथ साथ जैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नीतियां चल रही है, नीतियां पूंजीपतियों का शासन, मजदूरों को अत्याचार, जितने भी हमारे जो सेक्टर है उनको भेजना, उन सेक्टरों से भेजने से लोग बेरोजगार हो गए। आज अभी हमारे साथ ही रेलवे से बाबूलाल की कटिया साहब बैठे हैं, जिन्हें इसलिए भी नहीं है उनको सपोर्ट नहीं, बीमारी देकर आपके सामने लाएंगे, इसलिए उनको एक बार बैठा रखा है। उन्होंने बताया कि
जब मैं इंटरव्यू में था तो बिजली बोर्ड के अंदर कम से कम 200 आदमी यही काम करते थे और आज स्थिति है कि सिर्फ 15 या 16 आदमी बचे, यानी नई भर्ती ले रहे इसलिए नहीं करे कि सारा सिस्टम।